dear students welcome back to all of you i am greece today we will study most important short answer type questions from the lesson from the first lesson the third level third level is the first lesson of supplementary Yeh supplementary ka first lesson hai. तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया वाट वाज द थर्ड लेवल वाट वाज द थर्ड लेवल तो वेयर वाज इट सिचुएटेड थर्ड लेवल क्या था वही कहाँ स्थित था तो प्यारे बच्चों देखिए ये आपका आंसर विद हिंदी दिया गया है ये जहाँ पर ये निशान बना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली यह एक चार्ली की तीसरा स्तर चार्ली की एक कल्पना थी थर्ड लेवल ये चार्ली की कल्पना थी बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी क्योंकि ये वास्तविक में मौजूद ही नहीं था बट 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 चार्ली क्लेम्ड दैट इट दैट इट वाज प्रेजेंट कि यह प्रेजेंट था चार्ली ने ऐसा क्लेम किया था दावा किया था अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल वाज एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क और चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल कहाँ था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क में था ठीक है ये इसकी हिंदी लिखी है हिंदी यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा विद हिंदी वाज साइकट्रिस्ट वाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल तो सैम बाज साइकेट्रिस्ट साइकेट्रिस्ट कौन था ये सैम एक मनोचिकित्सक था साइकेट्रिस्ट था ही बाजे फ्रेंड ऑफ चार्ली वह चार्ली का दोस्त था फ्रेंड था ही टोल्ड द ही टोल्ड द थर्ड लेवल दैट इट जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि है चार्ली की इमेजिनेशन थी एक ही एक्सप्लेंड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी उसने व्याख्या की उसने बताया कि जो आधुनिक संसार है वो इन सिक्योरिटी असुरक्षा से भरा हुआ है फियर भय से भरा हुआ है युद्ध से भरा हुआ है चिंता आदि से भरा हुआ है ठीक आदि से भरा हुआ है लिखा है ड्यू टू ऑल दी चार्ली बाज इन सभी कारणों से चार्ली परेशान था सो द इमेजिनेशन ऑफ थर्ड लेवल रोज इन हिज माइंड इसी कारण उसके दिमाग में थर्ड लेवल की बात आई थी दिस इमेजिनेशन ऑफ हिम बाज एस्केप फ्रॉम रियलिटी और थर्ड लेवल उसकी यह जो कल्पना थी यथार्थ से रियलिटी से वास्तविकता से इस्केप थी पलायन करने की थी ठीक है वास्तविकता से दूर जाने की यह उसकी कल्पना थी क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर फादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड राजीव बुक के ये सारे क्वेश्चंस हैं व्हाट अबाउट हिज ग्रांड फ़ादर चार्ली टेल टू हिज़ फ्रेंड ग्रैंडफादर के बारे में चार्ली ने अपने मित्र को क्या बताया था तो देखिए बिद हिंदी नीचे लिखा है चार्ली टोल हिज फ्रेंड चार्ली ने अपने फ्रेंड को बताया अबाउट हिज ग्रांड फादर ग्रांड फादर के बारे में दैट ही लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम्स कि वो तो उसके जो दादाजी थे बहुत ही अच्छे और शांतिपूर्ण समय में रहते थे इट ही वाज वन हुड इसट ईट ही वाज वन हु हैड स्टार्ट द इस्टाम्प कलेक्श कलेक्शन इसके बावजूद भी उन्होंने टिकट संग्रह का कार्य स्टार्ट किया था इस्टाम्प कलेक्शन मैंने टिकट संग्रह का कार्य जो है स्टार्ट किया था ही डिन नॉट नीड एनी टम्परेरी रिफ्यूज़ फ्राम रियलिटी उन्हें वास्तविकता से किसी अस्थाई आश्रय की आवश्यकता नहीं थी उन्हें वास्तविकता से दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी ऐसा उसने बताया क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम ये निशान आप देखते रहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल थर्ड लेवल में उसने कैसे प्रवेश किया चार्ली ने ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है यदि आप सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते हैं ये वाले जो निशान लगे हैं इन पर ध्यान दें वन नाइट एक रात्रि को क्या हुआ एक रात्रि को क्या हुआ चार्ली वर्क लेट एट इज ऑफिस एक रात्रि को चार्ली ने अपने कार्यालय में देर तक काम किया था ही वाज ए हरी टू गेट होम वह उसे घर आने की जल्दी थी सो ही वेंट टू ग्रांड सेंट्रल स्टेशन टू कैच ए सवरवन ट्रेन इसलिए वह एक लोकल ट्रेन को पकड़ने के लिए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन गया था बट ही वाज लॉस्ट इन द कॉरिडोर लेकिन वह गलियारे में खो गया ही वाज लॉस्ट इन कॉरिडोर वह गलियारे में खो गया ही थाट इट वॉज अ सेकेंड लेवल उसने सोचा कि ये सेकेंड लेवल है बट अकॉर्डिंग टू चार्ली लेकिन चार्ली के अनुसार ही हैड इंटर्ड द थर्ड लेवल वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं वाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोरस एंड इस्टरकेस लाइक रूट्स तो देखिए चार्ली ऑलवेज फाउंड न्यू डोरवेज और चार्ली को क्या होता था चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हमेशा नए दरवाजे ऑलवेज़ फ़ाउंड न्यू डोरवेज़ नए दरवाजे मिल जाते थे स्टेयर्स नई सीढ़ियाँ मिल जाती थी एंड कॉरीडोर्स और नए कॉरीडोर्स मिल जाते थे ये है रीजन तीन बातें याद रखिए नए हमेशा उसे क्या मिलता था ऑलवेज़ फ़ाउंड न्यू डोरवेज़ स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इतना लिखने के बाद में सो से जोड़ दीजिए सो से जोड़ दीजिए शो ही थाट ही थाट मतलब शोक के बाद में लिख देंगे ही थॉट ही थॉट के बाद में आपका यहाँ से उतार दिया जाएगा पूरा ठीक है यहाँ तक ग्रांड सेंट्रल से तो ये आपका आंसर हो गया ये देखिए क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है देखिए ये निशान मैंने लगाया वाट डिड चार्ली फाइन वैन इंटरिंग द थर्ड लेवल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड लेवल में जब उसने प्रेस किया तो उसे क्या मिला था तो आंसर यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड लेवल में जब उसने प्रेस किया तो उसे क्या मिला एट द थर्ड लेवल चार्ली सा द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेसेस चार्ली ने देखा कि लोग जो है पुराने जमाने के कपड़े ओल्ड फैशन ड्रेसेस पहने हुए हैं वियरिंग मैंने पहने हुए पुराने जमाने की पोशाकें पहने हुए हैं उसने देखा एन ओल्ड लोकोमोटिव एक पुराना लोकोमोटिव देखा और न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर देखा डेटेड जून 11 1894 नाइन्टी फोर जून अट्ठारह की डेट का उसने एक न्यूज़पेपर देखा ठीक है फिर आगे लिखा है ब्रास इसपट तो उसने पीतल के थूक दान देखे आ, उसके बाद में फ्लिकरिंग गैस लाइट टिमटिमाती टिमाती टिम टिमाती गैस की रोशनी देखी एंड मैनी एंड मैनी अदर थिंग्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें रिलेटेड टू कंट सेंचुरी जो उस ज़माने से जुड़ी हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी तो क्या क्या उसने देखा प्यारे बच्चों फिर से एक बार देख लीजिए एक तो ओल्ड फैसन ड्रेस याद रखिए नंबर एक ओल्ड लोकोमोटिव दो न्यूज़पेपर पेपर तीन वो भी इस डेट का ठीक है तीन हो गए नंबर चार में ब्रैस स्पटून्स और उसके बाद में लास्ट है फ्लिकरिंग लाइट एंड मैनी अदर करके आप जोड़ दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अच्छे से तैयार कर लें हिंदी यहाँ से इधर नीचे लिखी है आप हिंदी भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में वाट डेट चार्ली डू टू मेक्स योर दैट ही ऑन द थर्ड लेवल जब वह थर्ड लेवल पर पहुंच गया था तो उसने अपने आप को आश्वस्त करने के लिए क्या किया था थर्ड था लेवल पर आश्वस्त करने के लिए टू मेक श्योर दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल यह सुनिश्चित करने के लिए वह तीसरे स्तर पर था चार्ली वैन टू अ न्यूज़ बॉय वह एक न्यूज़ बॉय के पास गया एंड शा दैक ऑफ न्यूज पेपर्स और अखबारों का ढेर देखा क्या देखा अखबारों का ढेर देखा इस्टेक ऑफ न्यूज़ पेपर्स अखबारों का ढेर इट वॉज़ द वर्ल्ड विच हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड ऑफ पब्ल फॉर ईयर्स यह द वर्ड था जो बरसों से प्रकाशित नहीं हुई थ, हुआ था यह जो अखबार था द वर्ड नाम से था जो बरसों से हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयरस बरसों से प्रकाशित नहीं हुआ था आगे आगे है लेटर बाद में ही फाउंड द फ्रंट पेज इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894 और उसने अंत में क्या किया उसे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में पहला प्रश्न मिला और यह 11 जून अठारह को छपा था ठीक है ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये निशान आप देख सकते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लेसबर्ग इलिनोइस इज गिविन इन द टेक्स्ट ठीक है तो जो ग्लेसबर्ग था और इली था उसके बारे में क्या जानकारी इस टेक्स्ट में लेशन में दी गई है इंपॉर्टेंट है चार्ली डिस्क्राइब्स ग्लैसबर्ग इलिनोइस एज ए वंडरफुल टाउन चार्ली ने ग्लैसबर्ग एलिनोइस को एक वंडरफुल टाउन के रूप में डिस्क्राइब करता है विद बिग ओल्ड फ्रेम जिसमें बड़ा पुराना फ्रेम का हाउस है घर है ह्यूज लॉन्स जिसमें विशाल लॉन है एंड ट्रेमेंडस ट्रीज और बड़े बड़े पेड़ है इसके रूप में उसने वर्णन किया इम्पोर्टेंट है छोटा सा भी है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं वाट हैपेंड टू चार्ली एट द टिकट विंडो टिकट विंडो पर चार्ली के साथ में क्या हुआ था वेन चार्ली वेन टू द टिकट विंडो फॉर टू टिकट फॉर टू टिकट्स टू ग्लैसबर्ग ही पैट द करेंसी ही पैड द करेंसी ऑफ द प्रजेंट वर्ल्ड जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या किया uh, पैड किया था प्रेजेंट वर्ल्ड की करेंसी को विच वाज टोटली डिफरेंट फ्राम एटीन नाइनटीज़ वर्ल्ड जो अठारह की दुनिया से बिल्कुल टोटली totally डिफरेंट थी ठीक है ऑन सींग बिग नोट्स बड़े बड़े नोट देखकर क्या हुआ द क्लर्क गॉड स्टंड एंड ही थॉट थाट चार्ली वाज ट्राइंग टू स्किन तो स्कंड हो गया ओ सॉरी स्टंड हो गया दंग रह गया और उसने सोचा क्लर्क ने कि चार्ली जो है उसकी चमड़ी उधलना चाहता है उसे ठगना चाहता है अब ये क्वेश्चन नंबर टेन देखिए इसमें दो बार निशान दिया गया है देखिए पहले बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो से टेन है इसमें दो बार निशान दिया कितना इम्पोर्टेंट है आप अंदाज़ा लगाइए ठीक है क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अगेन वाई और वाई नॉट क्या चार्ली को कॉरिडोर गलियारा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा मिला था वाई क्यों मिला था या फिर क्यों नहीं मिला था दोनों का आंसर दीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए नो चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट ग्राउंड सेंडर स्टेशन अगेन नहीं चार्ली को ग्राउंड स्टेंडर स्टेशन पर दोबारा कॉरिडोर नहीं मिला था इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी वो वो रियलिटी में था ही नहीं बिकॉज इट वाज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली क्योंकि वह है चार्ली की कल्पना मात्र थी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ बढ़ते हैं वो वाज सेम विनर सेम विनर कौन था वेयर डिड ही डिसपेयर एंड वाई वह कहाँ चला गया और क्यों चला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो बार इसमें भी मैंने निशान बनाया है तो सेम विनर याद रखिए सेम बिनर बाजे साइकट वही साइकटिस था मनोचिकित्सक था ही बाजे फ्रेंड ऑफ चार्ली चार्ली का वो फ्रेंड था पहले भी ऊपर आ चुका है ही डिसपेड ऑल ऑफ ए सडन वह अचानक गैब हो गया बट चार्ली कुड मेक ए कैस लेकिन चार्ली ने अंदाज़ा लगाया था <coughs> अंदाज़ा लगा सकता था बिकॉज ही न्यू दैट सैम लाइक ग्लैसबर्ग वेरी मच क्योंकि उसे पता था कि सैम को ग्लैसबर्ग बहुत अधिक पसंद था सो अकॉर्डिंग टू चार्ली इसलिए चार्ली के अनुसार सेम डिस ग्लैसबर्ग वो ग्लैसबर्ग में ही गायब हो गया था बिकॉज क्योंकि ही लाइक इट टू स्टार्ट हिज बिजनेस क्योंकि वो वहाँ बिजनेस शुरू करना चाहता था ठीक है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसको पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं लग रहा मुझे व्हाट वाज स्ट कलेक्शन हाउ वाज इट रिलेटेड टू चाली स्टाम कलेक्शन क्या था वो चार्ली से कैसे जुड़ा हुआ था तो स्टाम कलेक्शन छोटा सा क्वेश्चन है पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं स्टाम्प कलेक्शन वाज लिंक विच ज्वाइंस द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द स्टोरी तो इसमें बताया जा रहा है जो डाक डाक टिकट संग्रह कहानी है जो वो अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी थी ये ज्वाइंस पास्ट एंड प्रेजेंट इन द स्टोरी अतीत और वर्तमान को जोड़ने की एक लिंक थी कड़ी थी ठीक है इसके बाद में था दिस कलेक्शन वाज पॉज ऑन टू चार्ली फ्रॉम हिज ग्रांड फादर और ये जो संग्रह था वो पास ऑन हुआ था चार्ली के पास कहाँ से आया था दादा से फ्रॉम हिज ग्रांड फादर ग्रांड फादर से उसको ये स्टाम कलेक्शन की हैबिट मिली हुई थी वाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली सैम ने अपने लेटर में जो चार्ली को लेटर लिखा था उसमें क्या लिखा है ठीक है क्या लिखा था तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने कोई निशान नहीं दिया है भूल गया ये इम्पोर्टेंट है सेम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली सैम ने अपने पत्र में चार्ली को लिखा दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल कि उसे थर्ड लेवल मिल गया एंड ही हैड रीच्ड देयर रहा वहाँ पहुँच गया ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लिख लेना ठीक है सेम बाज सेंग इन हिज लेटर वह अपने लेटर में कह रहा था दैट ही वाज इजेंग देयर इन ग्लेसबर्ग कि वह ग्लेसबर्ग में ठहरा हुआ था सिंस लास्ट टू वीक्स दो सप्ताह से रुका हुआ था एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज़ और दूसरी बहुत सारी जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं उनको वो देख रहा था ही इनवर्ट्स बोथ चार्ली एंड इज वाइफ उसने चार्ली और उसकी जो वाइफ थी लुइसा उसको दोनों को वहाँ इनवाइट किया था बुलाया था सो वी कैन से सेट सेम विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज लाइक चार्ली इसलिए हम कह सकते हैं कि सैम भी चार्ली की तरह सांसारिक चिंताओं से वर्ल्डली वरीज सांसारिक चिंताओं में विक्टिम था व्याप्त था मिला हुआ था शिकार था उनका क्वेश्चन नंबर लास्ट से फिफ्टीन वाई डिड सेम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ एट हंड्रेड डॉलर्स वाट डिड ही डू विद इट सैम ने जो है आ, ओल्ड करेंसी एट हंड्रेड डॉलर्स की क्यों खरीदी वट डिड ही डू विद इट ऑफिस के साथ उसने क्या किया था एक बार पढ़ लेते हैं आंसर अकॉर्डिंग टू चार्ली सेम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ एट हंड्रेड डॉलर्स अब इसमें दिया गया चार्ली के अनुसार सेम ने जो है एट हंड्रेड डॉलर्स की जो आठ सौ डॉलर की जो पुरानी मुद्रा खरीदी है वो क्यों खरीदी बिकॉज ऑफ गोइंग टू गोइंग टू एटीन नाइनटी नाइन्टी फोर ग्लैसवर क्योंकि उसे अठारह के ग्लेसबर्ग में जाना था इसलिए उसने खरीदा एंड चार्ली होप्ड और चार्ली को उम्मीद थी डेट सेम वुड सेटअप ए है और उसको उम्मीद थी कि सेम इन पैसों से अनाज का व्यवसाय फीड एंड सो दैट वुड सेटअप ए है कि वह स्थापित करेगा फीड एंड ग्रेन बिजनेस इन एटीन नाइन्टी फोर में वह ये अनाज का एक व्यवसाय स्थापित करेगा बिदीज मनी इन पैसों के साथ में ऐसा उसका मानना था चार्ली का ठीक है